हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है हेडलाइट्स के ऊपर। हेडलाइट बल्ब जो है बहुत सारे मार्केट में आते हैं, बट प्रॉपरली आपको ब्राइटनेस नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, कौन सा ऐसे हेडलाइट्स हैं जो आपको प्रॉपरली ब्राइटनेस देंगी, एलईडी या फिर आप हेलोजन बल्ब में भी जो है अच्छा जो पावर है ले सकते हैं, एंड मेन थिंग वो लीगल होना चाहिए। तो ऐसे कौन सी हेडलाइट्स हैं जो लीगल हैं, साथ ही साथ दोस्तों आपको बजट फ्रेंडली पड़ जाती हैं, अच्छा ब्राइटनेस जो है रोड पर दे देंगे, एंड ईजी टू इंस्टॉल भी है, आप घर में इजिली जो है इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ऐसी कौन सी 5 हेडलाइट है ना, उस पे बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूं, डिटेलिंग स्टार्ट करूं, उससे पहले अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोस अपने टाइम टाइम आ सके। दोस्तों, हेलोजन बल्ब जो है टोटली लीगल है, अगर आप जो पावर है ना उसका प्रॉपरली तरीके से यूज करते हैं। मार्केट में 190, 130 by 90 ऐसे ऐसे पावर के आते हैं, वो सही रहते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बट बहुत ही ज्यादा जो है ना हीट क्रिएट करते हैं, उसके साथ में ना रिलेज भी आपको लगाने पड़ते हैं। तो इससे बेटर है कि आप जो है कंपनी के सही प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं ना, तो बहुत ही सही रहता है। एलईडी दोस्तों मार्केट में आती तो हैं, बट इसके इंस्टॉलेशन इतना इजी नहीं रहता। इसके फैन की वजह से कई बार जो है वो प्रॉपरली रॉयल एनफील्ड में या दूसरी बाइक्स में प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हो पाती। तो ऐसी कौन सी हेडलाइट है पहले जो मैंने चूज करी है आपके लोगों के लिए, पहले वो मैं दिखाता हूँ एंड फिर हम बात करते हैं। फर्स्ट जो हेडलाइट है दोस्तों, वो है फिलिप्स की एक्सट्रीम विजन प्रो 150। दोस्तों, ये हेडलाइट मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड की है, बहुत अच्छा रिस्पांस जो है इस पे आता है। अगर आप सिटी राइड नाइट में कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जो है इंक्लूड करिए। ये फुल्ली लीगल है, 55-60 वॉट की आती है, जो आपका स्टॉक बल्ब है ना उसके सेम जो है इसका कन्फिगर है, एंड बट इसमें जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज होती है अप टू 150% जो है। इसमें ब्राइटर लाइट जो है आपको आती है, 3600 केल्विन वाइट लाइट जो है आपको मिल जाती है, 3000 जो है येलो होता है, 3000 से जितना ऊपर जाते रहे उतना जो है आपको थोड़ा वाइटर साइड मिलता रहता है। एंड जो इसका हाई परफॉर्मेंस है दोस्तों, वो आपका 70 मीटर्स का जो है आपको एक रेंज दे देता है। 70 मीटर्स बहुत ही अच्छा जो है लाइट थ्रो करता है, तो डेफिनेटली आप इसको जो है बाय कर सकते हैं। वैसे ये कार के लिए बनाया गया है, बट बाइक के लिए भी सिंगल पीस जो है अमेजोन पर अवेलेबल है। दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ओसराम का नाइट ब्रेकर लेजर। दोस्तों, ये हेडलाइट फुल्ली लीगल है, आप इसको अपनी बाइक में डेफिनेटली लगा सकते हैं। वैसे तो ये कार के लिए बनाई गई है, बट बाइक में भी अच्छी विजिबिलिटी जो है देती है। अगर ब्राइटनेस की बात की जाए तो 150% जो है ब्राइटनेस आपको मिल जाती है, 75 मीटर्स की जो है आपको बीम रेंज जो है मिल जाती है, 20% थोड़ा सा आपको वाइटर साइड जो है आपको मिल जाएगा। मतलब ये 460 केल्विन की जो है लाइट दे रही है, मतलब थोड़ा लाइटर साइड जो है वो देता है, एंड अच्छा विजन मिल जाता है। एंड सिटी राइड में आप डेफिनेटली इसको जो है बाय कर सकते हैं, बट इसका एक कॉन ये है कि दोस्तों ये ड्यूल पैक में ही आता है, तो आप इसको अमेजोन पे 1900 के आसपास में इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो हेडलाइट है वो भी फिलिप्स की है, वो है रेसिंग विजन GT 200। दोस्तों, ये भी फुल्ली लीगल हेडलाइट है जो कि आप अपने बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंगल पीस में आता है, 55-60 वॉट सेम अपनी बाइक में जो आता है वही सेम जो है इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन आता है, बट इसमें जो ब्राइटनेस है अप टू 200 जो है वो इंक्रीज होती है। साथ ही आपको 80 मीटर्स का जो है विजन थ्रो जो है मिल जाता है, एंड केल्विन जो है इसका वो 3600 ही है, मतलब थोड़ा वाइटर साइड जो है आपको मिलेगा। एंड ये फिलिप्स का बहुत ही सही प्रोडक्ट है, बट थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड में हल्का सा बोले जाए तो लिया जाता है। अगर कंपेयर टू स्टॉक बल्ब किया जाए तो ये आपको 800 या 900 के आसपास जो है अप्रॉक्स पड़ता है। सिंगल पीस में अमेजोन पे अवेलेबल है, आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों, फोर्थ जो हेडलाइट है वो है ओसराम की नाइट ब्रेकर 200। दोस्तों, ये हेडलाइट बहुत ही सही है, एंड आप उसको सिटी राइड और हाईवे राइड दोनों में इजीली यूज कर सकते हैं, एंड ये फुल्ली लीगल भी है, एंड 3900 केल्विन वाइट है ये, मतलब 20% आपको मोर वाइट मिलेगा। अप टू 80 to 90 मीटर्स का विजन थ्रो है, 200% जो है मोर ब्राइटर है कंपेयर टू अगर स्टॉक किया जाए, एंड ईजी टू इंस्टॉल है। H4 सॉकेट के साथ में आता है, बट एक ही कॉन है दोस्तों, ये सेट में आता है, ड्यूल के सेट में आता है, तो आपको पेयर बाय करना पड़ेगा। 2600-2700 के आसपास में जो है इसका पैक आता है, वो अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। एंड जो दोस्तों लास्ट लाइट है वो भी ओसराम की है, बट ये एलईडी हेडलाइट है दोस्तों, जो कि आप अपनी बाइक में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। H4 सॉकेट के साथ में आती है, फैन साइज भी इसका बहुत ही स्मॉल रहता है, जिससे कि आप अपनी क्लासिक बुलेट में फिट करते हैं ना, तो आपको वो जो फैन टकराता है ना जो स्पीडोमीटर से, वो प्रॉब्लम नहीं होती है। ईजी टू इंस्टॉल है, अच्छा ब्राइटनेस आपको रोड पे दे देती है। अब लीगल इलीगल की बात अगर की जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर हो सकता है,
कि आपको DRL लाइट जैसा होता है ना, वो डायरेक्टली कैच हो जाती है, बट ऐसी लाइट जो है ज़्यादा पकड़ में नहीं आती, बिकॉज आपको मालूम ही होगा कि अभी LED हेडलाइट जो है वो रॉयल इनफील्ड में भी आ गई है, सुपर मीटियोर में भी आपको जो है मिलती है, बाकी बाइक्स जो हैं उनमें भी आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ब्राइट है, अच्छा फोकस जो है ये देती है, बट कौन सी है कि ये ड्यूल पेयर में ही आती है, तो आपको इसको ड्यूल पेयर में बाय करना पड़ेगा। एंड इसका अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो 3,200 3,300 के आसपास जो है ये पेयर में पड़ती है, तो बाय करते हो प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा याद रखिएगा, बट डेफिनेटली हाईवे के लिए बहुत ही सही ऑप्शन है। तो दोस्तों आपने देखा फिलिप्स एंड ओस्राम के जो बल्ब हैं वो डेफिनेटली आप अपनी बाइक में लगा सकते हैं और अपनी कार में भी लगा सकते हैं चाहे तो। ये ड्यूल में भी आते हैं, सिंगल में भी आते हैं, बट कुछ जो है आपको ड्यूल में मिलेंगे बिकॉज वो बनाए ही कार के लिए जाते हैं। तो आप अपनी बाइक में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट आपको ड्यूल पेयर जो है बाय करना पड़ेगा। एक चाहे तो अपने फ्रेंड के साथ में भी जो है मिलके बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर बाय करते हैं तो आप अच्छा पेयर जो है ले सकते हैं जो आपको अच्छा विजन जो है रोड पे देगा। एंड नाइट में मुझे मालूम है कि यार स्टैंडर्ड बल्ब जो कंपनी का है ना, स्टॉक बल्ब, वो प्रॉपरली काम नहीं करता एंड इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। तो जितनी मैंने आपको हेडलाइट के ऑप्शन बताए हैं वो 55-60 के ही हैं और वो फुल्ली लीगल हैं एंड आप रोड पे डेफिनेटली उसको यूज कर सकते हैं एंड उससे 150% एंड 200% जो है आपकी जो है जो विजन है वो इंक्रीज होगी, ब्राइटनेस जो इंक्रीज होगी एंड मेक श्योर कि उसका फोकस जो है ना रोड पे रहे। ज्यादा ऊपर फोकस लेने से ना सामने वाले जो गाड़ियां आती हैं, बाइक्स आते हैं, कार आती हैं, उनके विंडशील्ड पे पड़ता है तो प्रॉपरली जो है उनके विजन ब्लाइंड होता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, जितना ऊपर आप रखेंगे उतना विजन जो आपका ब्लर होगा। ट्राई करिएगा उसका जो हेडलाइट है उसका जो एंगल है वो नीचे की तरफ रहे, तो वो आपके लिए बहुत सही रहता है। एंड आई होप आपको कंप्लीट डिटेल क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट एंड क्वारी है, कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है, वहां पर आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। यहाँ वीडियो कमेंट करते हैं, ख्याल रखे, ध्यान रखिए और देखते रहिए, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए आती रहेंगी। बाय। It's not a game, sir.